नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें हमें एक स्केयर में कितनी मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रायंगल पॉसिबल है फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास फर्स्ट फिगर है, हमारे पास एक स्केयर है ए बी सी डी, और हमें पॉसिबल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। तो इसमें तो हम डायरेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, तो ट्रायंगल कितनी होगी, 2। अब नेक्स्ट फिगर है, इसके लिए हमारे पास शॉर्टकट है। हमारे पास एक स्केयर है ए बी सी डी, और 2 डायगनल ए सी और बी डी इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे। तो हमें एक टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। तो आप इसके लिए नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4। तो नंबरिंग आपने 1 से 4 तक की, तो जो मैक्सिमम नंबर आपके पास आया है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 4 × 2। तो जो आंसर आएगा वो क्या है, नंबर ऑफ ट्रायंगल इन द फिगर। अब हमारे पास थर्ड फिगर है, नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6। मैक्सिमम नंबर क्या आया, 6। 6 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास जो आंसर आया है वो है 12। टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इन फिगर थर्ड इज इक्वल टू 12। फोर्थ हमारे पास फिगर है, आप इसमें नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो 8 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितनी रहेगी, 16। ठीक है, तो अब इस मेथड का हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो प्रॉब्लम आएगी उसको सॉल्व करते हैं इस मेथड से। हमारे पास ये प्रॉब्लम है और हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, सबसे पहले आप स्केयर देखिए, इसमें कितने स्केयर हैं। तो ये कॉमन पॉइंट है, इसको आप ओ कंसिडर कीजिए, ओ ए बी सी। फर्स्ट स्केयर क्या है, ए बी सी ओ, ठीक है। इसमें क्या है, नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4। तो ए बी सी ओ में ट्रायंगल कितनी रहेगी, जो मैक्सिमम नंबर है उसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 × 2 = 8। तो मैंने यहाँ 8 लिख दिया, 8 ट्रायंगल। एक और है स्केयर ओ पी क्यू आर, यहाँ पे नंबरिंग कीजिए 1, 2, 3, 4। मैक्सिमम नंबर क्या है, 4, इसको 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, 8। 8 ट्रायंगल यहाँ मैक्सिमम पॉसिबल है, यहाँ पर भी 8। अब हमारे पास ट्रायंगल आती है बी सी डी ई। अब एक ट्रायंगल है बी डी सी, और हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है। अब अगर एक ट्रायंगल में दो और हमें नंबर ऑफ ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है, तो उसका शॉर्टकट क्या है, आप नंबरिंग दीजिए 1, 2, और आप इनको नंबर को ऐड कर दीजिए। स्केयर में अलग मेथड था, और एक ट्रायंगल में अगर ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है उसका अलग मेथड है, 1 और 2, 3। पी क्यू आर ई में हमें ट्रायंगल फाइंड आउट करनी है, नंबरिंग कीजिए 1, 2, और आप इनको ऐड कर दीजिए, 1 और 2, 3 ट्रायंगल पॉसिबल है। ए ओ पी में नंबरिंग कीजिए, ये भी एक ट्रायंगल है, 1, 2, तो इसके अंदर क्या है, 3। अब आप इनको ऐड कीजिए, 8 और 8 16, 3 3 6 3 3 9 9 और 16 25। 25 ट्रायंगल तो ये पॉसिबल है, ठीक है। इसके अलावा कुछ ट्रायंगल ऐसी हैं जो एक दूसरे के कॉम्बिनेशन से बनी है, लार्ज ट्रायंगल जिसको बोलेंगे, जैसे कि ए आर पी, एक ट्रायंगल ये है, ठीक है। एक ट्रायंगल है ए आर पी, और दूसरी ट्रायंगल है पी सी ए, ये वाली पी सी ए। तो ये टोटल कितनी होगी, 2, ठीक है। इसके अलावा एक ट्रायंगल है पी आर ई, पी आर ई, और एक ट्रायंगल है ए सी डी, ठीक है। ये भी कितनी होगी,
वन एंड वन टू, तो टोटल ट्रायंगल कितनी होगी 29, 29। तो इस फिगर में टोटल ट्रायंगल क्या है, पॉसिबल ट्रायंगल, मैक्सिमम ट्रायंगल 29।